तो हम लोग राइजन 9 का 5000 सीरीज प्रोसेसर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेसर है, लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, तो इसको लगवाते हैं। Hey guys, welcome to my new vlog. I hope you all are doing well. So, बहुत दिन हो गए थे, कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। तो मुद्दा ये व्लॉग ना आने का कि कुछ कारण थे, वो थोड़े पर्सनल है, बता नहीं सकते। बट आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही स्पेशल है। मृदुल भाई, क्यों स्पेशल है आज का व्लॉग, जरा बताया जाए। पर्सनली भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है और वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि इतने दिनों से जो काम रुका हुआ था, थोड़े इश्यूज चल रहे थे। सिर्फ मुद्दे पे आओ, सिर्फ ब्लॉग का काम नहीं रुका था, हमारा म्यूजिक का काम भी रुका हुआ था बेसिकली। तो सबसे पहले तो हर चीज रोक के मृदुल भाई, आपको मुबारक हो आपके 5,00,000 व्यूज कंप्लीट होने पे, आपके नए गाने पे हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे जितने लोग पता नहीं है कि इन्होंने कौन सा गाना डाला है, तो इन्होंने बेसिकली सिद्धू पाजी को ट्रिब्यूट दिया था। तो अभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके जरूर सुनना और बहुत मजा आएगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो। बाकी जो इस ब्लॉग का खेल है, आज हम लोग का बनने जा रहा है सब रुका था, ना व्लॉग करने का मन होता था ना कुछ, और बेसिकली काम का प्रेशर, ये प्रेशर, इनका प्रेशर। तो अभी चल रहे हम लोग, अभी घर में बैठे हैं, बेसिकली गाड़ी में बैठे, घर नहीं, ये गाड़ी खड़े, क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी है घर के बाहर, गाड़ी है घर के बाहर। तो अभी चलते हैं लेने सीपीयू, बात हो गई है। तो अभी हम लोग रास्ते में दिखाते हैं, कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अभी वहां रास्ते मिलते हैं और फिर देखना क्या है और कौन सा सीपीयू कर रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है, सब बताएंगे। स्टे ट्यून एंड तक। तो आओ चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मेरी गाड़ी पार्क हो गई है, लेट्स गो टू द स्टोर नाउ। अब चलते हैं नीचे और वो स्टेयर्स रास्ता है, तो ये स्टेयर्स है, लेट्स गो। हाँ, तो ये देखो कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट बड़ा अंधेरा है। इंडियन देसी पान थुकाई, क्या बात है। क्या नहीं चलते, स्ट्रगलिंग वाले गाने नहीं चलते। क्यों नहीं चलते, क्योंकि इतने अमीर वाले हैं, उनके जिंदगी में स्ट्रगल ही नहीं है। तुम अमीर किस से बोल रहे हो भैया, सबको गाड़ियाँ सबके पास गाड़ियाँ खड़ी हैं यार, और कोई जैसे जरूरत ही नहीं है, फिर सब कार लेके गए भाई। दिन में 2 बज रहे हैं, टेम्परेचर जून का चल रहा है, टेम्परेचर 43 है, पार्किंग में तो एक तरफ की पार्किंग ही भरी हुई है इतनी बड़ी सी, दूसरी भी पूरी भरी हुई, आखिरी में एक जगह मिली। मतलब भाई पैसा सबके पास है लखनऊ में, सामने क्या बिल्डिंग है। ये लखनऊ का मेन हजरतगंज है, हजरतगंज बेसिकली। ये अभी कुछ कैलकटा रिगालिया। तो ये मेन मार्केट है यहाँ की, देख लो गाइस। अभी हम लोग पैदल पैदल चल रहे हैं, मैंने अपने पिताजी को और हमारे छोटे भाई को हमने बैठा दिया है, तो लेट्स गो। वहाँ शॉप पे पहुँच के आप लोग से मिलते हैं, बाय। तो हम सोचे थे आपको शॉप पे मिले, लेकिन फिर सोचे कि नहीं, ये बेसिकली यहाँ की मार्केट है, देख लीजिए आसपास सारी। तभी ज़रा पता करते हैं आई नासा कंप्यूटर किधर है। तो यार हम लोग शॉप पे बैठे हैं, ये मृदुल बैठा है, ये हमारे पिताजी बैठे हैं जो करवा रहे हैं, और ये मेरा भाई है। तो हम लोग, ये मेन सिस्टम नहीं है, इसमें अभी आधा काम है। तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन बता रहे हैं, तो हम लोग राइजन 9 का 5000 सीरीज प्रोसेसर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेसर है, लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, तो इसको लगवाते हैं। लोग क्या, हम भी कहते हैं, ठीक है, हम भी कहते हैं। और ये 2 स्टिक लगवा रहे हैं 16 GB की, 3200 MHz। ये लुक मजा आएगा यार देखने का, तो अभी बिल्ड होने के बाद मजा आएगा। और सबसे मेन आइटम मैं दिखाता हूँ अगर आपको, तो ये है RTX 3060, जिसकी VRAM 12 GB तक आती है, देख लो। तो ये Zotac की है, सबसे बेस्ट मेन आइटम अपने CPU का, तो बिल्ड होने के बाद मजा आएगी। और ये कह रुको देखने, तो पहले ये मदरबोर्ड है हमारा GigaWatt का B550M, इसमें वाईफाई आता है, आपका ब्लूटूथ इनबिल्ट आता है। तभी और आइटम आ रहा है, तो जब CPU आता है, कैबिनेट कौन सा, सब बताते हैं, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय। ये आ चुकी है बॉडी, अभी इसमें दिखेगी लाइटनिंग कुछ देर बाद, और तब देखेंगे। ये कैबिनेट है, खाली है, अभी लाइटनिंग के बाद देखना भाई, अभी इसमें कुछ नहीं पड़ा, अभी क्लीन साफ। और कुछ देर बाद लाइटनिंग, कुछ देर बाद मजा आएगा। ये MSI का गंगीर, द टॉप नॉच मॉडल, द टॉप नॉच कैबिनेट। ये इधर वायरिंग है, यहाँ से वायरिंग का गेल होगा, साइड दिखा दो।
लखनऊ में कोई भी पीसी बिल्ड करवाना, कुछ भी कराना, तो आई ना सा कंप्यूटर जरूर, ये ओनर है हमारे, बता दो बारे में। ये भाई जी, हाँ ठीक। तो आपकी शॉप कहाँ पड़ती है आप बता दीजिए, आपको अपने बारे में। हमारी शॉप नाजा मार्केट हजरतगंज लखनऊ। बेस्ट तरीका आने के लिए मेट्रो से आए और गेट नंबर 2 से जैसे एग्जिट लेंगे वहीं पे हमारी दुकान है। और अभी हम लोग कौन सा मॉडल बना रहे हैं आप? हम लोग राइजन 9 5900X विद 3060 ग्राफिक कार्ड विद डुअल चैनल 16GB कॉर्सर रैम 1TB NVMe और 650 वाट पावर सप्लाई और MSI गंगीर का ऑप्शन। क्या बात है, सबसे बेस्ट बजट में मिला है जितना था। आओ यहाँ पे फुल फैमिली वाला सीन मिलेगा। और भैया को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारे बजट, बहुत सही बजट पे बहुत सही चीज़ हम लोगों के लिए बिल्ड कर रहे हैं। लेट्स सी आउटपुट, आउटपुट जो आएगा वो और भी खतरनाक होगा। लुक्स तो बहुत ही ज्यादा अभी से कूल लग रहा है। लेट्स सी अब बिल्ड के बाद मिलते हैं। बाय। हमारा ग्राफिक कार्ड है, ये कुछ फॉर्मेलिटी जो होती है इसको भी बाद में पढ़ते हैं। ये मेन आइटम बाहर आया है, पूरा फुल पैक। डिलीवरी ये निकला ग्राफिक कार्ड, वाओ ये हमारा ग्राफिक कार्ड है। चलो चलो ठीक है, अभी बताया गजब लुक। हेलो स्मूथ। तो ये इंडोल्ड होगा और इसको करवाते हैं फिर दिखाते हैं। ये लो भाई इतना काम हो गया, देख लो। कहीं से नंबर नहीं मिलेगा, पर्ची का पर्ची मिल नहीं रही है। तो गाइज हमारा CPU बन चुका है, अब हम लोग रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक का जाम लगा है। yes. तो सारा काम हो चुका है खत्म, हम घर जा रहे हैं, ओपन करते हैं, प्रॉपर दिखाते हैं क्या है। लाइटनिंग के भाई साहब पैटर्न नहीं इतने सारे, मैं वहाँ एक्सप्लोर कर रहा था, यही ये चले गए थे कार लेने। बहुत बढ़िया बढ़िया पैटर्न है और मजा आएगा। अभी पैटर्न दिखाएंगे लाइटनिंग के वीडियो में। और भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, सुंदर शानदार। वो देखो पीछे सब गिरा ही जा रहा है भाई, क्या कर सकते हैं। ज्यादा सामान है, इतने ज्यादा सामान है, वो ही बोल रहे। तो अभी घर चलते हैं और बहुत ट्रैफिक है। तो टाइम यार गाइस, यस ये लखनऊ का मेन मार्केट है। शर्मा जी की चाय निकली है, शर्मा जी की चाय आप लोग ने सुना होगा। ये विधायक आवास, ये विधायक आवास, ये दिखाऊंगा नहीं होना यार, थोड़ा सरकारी। यही है विधायक आवास है। अच्छा दिख गया, दिख गया। तो ये सरकारी, ये थोड़ी सी शीशा गंदा है हमारा, नगर निगम ऑफिस। अभी मैं ज्यादा चीज दिखाता था, मुझे शांत रहो। तो अब मिलते डायरेक्ट घर पे। तो भाई घर पे तो आ गया है, दिक्कत ये हुई है कि इसका जो पावर सप्लायर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट का है। तो मेरा भाई मतलब मेरा दोस्त गया है, लेके आता है, फिर इसको टर्न ऑन करते हैं। फिर पिताजी वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे मौसी जी लोग भी बैठे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं इसको ऑन होके, वो देखने का कि क्या है सीन और कैसा है। आप लोग भी वेट कर रहे हो पता है, दिखाते हैं बस कुछ देर और, ठीक है बस 2-3 मिनट और। सो गाइस सीन ये हुआ कि CPU तो ऑन हो नहीं पा रहा था, तो उसका प्लगिंग भी जो बेसिकली मिसयूज था, जो मिसिंग था वो मिला नहीं। तो सीन ये हुआ कि कहीं से जुगाड़ करके लाए हैं और प्लान है कि अब डायरेक्ट स्टूडियो सेट कर लें, तभी डायरेक्ट करते हैं, तभी आपको डायरेक्ट दिखाते हैं। तो अभी बस कुछ देर और, तो अभी बेसिकली गणेश जी हैं, ये देखो इतने प्यारे गणेश जी हैं, तो उनको भी स्थापित करने जा रहे हैं नीचे प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर ड्रीम PC फॉर स्टूडियो फॉर गेमिंग एवरीथिंग जो है बना है उसका आपको देते हैं लुक, क्या आ रहा है फर्स्ट लुक। ओके तो लेट्स गो पहले नीचे। तो ये रास्ता है जो मेरे घर ही पे स्टूडियो, ये मेरी बाइक खड़ी है और ये स्टूडियो गेट। टोटो आओ, लो चलो। टोटो बाहर चला गया, कुछ देर की बात सारा चीज़ प्रॉपर सेट है। ये CPU है, देखो इनपुट नहीं आ रहा, अभी बहुत अंधेरा है। ये अपना स्टूडियो, ये बटन, सो लेट्स टर्न इट ऑन। Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the end.
कहना है कि बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, और कोशिश रहेगी कि ब्लॉग ऐसे इंटरेस्टिंग और आते रहें। तो आपको भी अगर पीसी बिल्ड कराना है जैसा मैंने करवाया, जो ये पीछे देखो रखा हुआ है, अगर ऐसा पीसी आपको बिल्ड कराना फॉर गेमिंग पर्पस, फॉर एनी पर्पस, म्यूज़िक, किसी भी लाइन में वीडियो एडिटिंग, तो जहाँ से मैंने किया है वहाँ पे मैं उस एरिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके वहाँ पे आप पीसी बनवा लेना, नहीं तो आप कनेक्ट कर लेना, नहीं तो आप खुद ही मैसेज कर देना, हम लोग करवा देंगे अपने व्यवहार से। हाँ, आप भेज देना हम लोग को डिटेल क्या क्या आपको स्पेक्स चाहिए, अगर जितना हो सकेगा उतना करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्लॉग, आई होप अगली ब्लॉग में फिर मिलते हैं।